की लोकसभा है या 24 की सभा है, दोनों सदन है, जिसमें मजबूत है विपक्ष और राहुल गांधी एलओपी हैं। राहुल गांधी ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से, वो चाहते तो बाहर भी मुलाकात कर सकते थे, कहीं और मिल सकते थे, लेकिन सदन के अंदर बुलाना, सदन नहीं बल्कि संसद परिसर में बुलाना, सदन के अंदर या जहां भी संसद भवन में बुलाना, आप बेहतर जानते होंगे, जहां भी आए, लेकिन उस परिसर में मुलाकात अपने आप में किसानों से। और दूसरी सबसे बड़ी घटना जंतर मंतर, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, अमलेंदु जी जिसके बारे में बात कर रहे थे, इन दोनों घटनाक्रमों पर आपकी प्रतिक्रिया। नहीं राजीव जी, बहुत पहले जब चुनाव नतीजे आए थे उस समय हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें मैंने इसी मंच पे कहा था कि अब संसद का स्वरूप बदल गया है, संख्या बल तय करता है सत्तारूढ़ और सत्तारूढ़ दल की या सत्तारूढ़ गठबंधन की या विपक्षी गठबंधन की भूमिका को। तो यकीनन ये पहली बार हुआ, प्रशांत एकदम सही कह रहे हैं कि पहली बार इतना मजबूत विपक्ष दिखाई दे रहा है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, न सिर्फ संख्या बल के मामले में बल्कि वक्ताओं में भी जितने लोग निकल करके उभर करके सामने आए हैं, क्योंकि पहले छोटी छोटी पार्टियां होती थी, कम संख्या होता था तो लोगों को बोलने का उतना मौका भी नहीं मिलता, लेकिन अभी जो है चूंकि मौका भी मिल रहा है और संख्या बल तो है ही है, तो जैसे राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रा हैं, अभिषेक ने आज जो खेल किया, या कल्याण बनर्जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, गौरव गोगोई हैं कांग्रेस में, बहुत अच्छे वक्ता हैं, या अभी और निकल करके आएंगे लोग, बहुत लोग उसमें उभार निखार देखने को मिलेगा। और विपक्ष अब किसी इशू पे छोड़ने वाला नहीं है, पहले क्या होता था कि ये लोग दबा करके कभी हल्ला हंगामा करके सदन को बाधित कर देते थे और फिर वो विपक्ष निकल जाता था और ये मनमाने ढंग से अब करते थे। तो विपक्ष ने रणनीति बना ली है कि नहीं, एक तो पहली बात यह है कि आपको घेरेंगे, हर सवाल पे घेरेंगे, और अगर आप कुछ उठपटांग बोलेंगे तो उसका जवाब दे देंगे। और बहुत सही आज पकड़ा अभिषेक बनर्जी ने, जब वो ओम बिरला जी बार बार चुटकी लेने के आदी है वो, और जब भी कोई विपक्ष का नेता कुछ भी बोलता है तो उसके फट से अपना एक्सपर्ट कमेंट डाल देते हैं, वो एक्सपर्ट कमेंट सरपंच का पंच का नहीं होता है, वो पार्टी का कमेंट, वो पक्षधरता का कमेंट होता है, वो दिखा देते हैं कि हम किस पक्ष में है, जबकि उस कुर्सी पर बैठ करके तो आपको देखना होगा कि हमारे लिए एक आंख से देखना होगा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, अगर नियम विरुद्ध कोई बात कर रहा है तो आप उसको टोक सकते हैं, रोक सकते हैं, असंसदीय बात कोई कर रहा है उसको रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, लेकिन बजट पर चर्चा के दौरान नोटबंदी की चर्चा क्यों नहीं हो सकती है भाई। और अभिषेक ने उनको बहुत सही कहा कि भाई, मतलब चूंकि वो थोड़ा सा वो लिहाज कर गए होंगे कि भाई अध्यक्ष महोदय ने खुद ही आपातकाल के विरुद्ध भाषण किया था और संकल्प प्रस्ताव लाया था लोकसभा के अंदर, जबकि ये पीठासीन अधिकारी का काम नहीं है जी। ये बीजेपी के लोग करते, जनता दल यू के लोग करते, या किसी और पार्टी के लोग करते तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन आप अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ करके इस तरह का प्रस्ताव लाए, इससे बड़ी बात तो और क्या हो सकती है संसदीय लोकतंत्र में, लेकिन आपने किया। तो उसी की याद आज उन्होंने दिलाई कि भाई जब इमरजेंसी पर चर्चा होती है तो आप किसी को नहीं टोकते हैं, वो तो 50 साल पहले की बात है, और आप 4 साल 5 साल पहले की बात को कह रहे हैं कि आप 2016 के बाद चुनाव हो गए, तो इमरजेंसी के बाद भी कितने चुनाव हो गए, चुनाव दर चुनाव हुए, इंदिरा गांधी भी 1980 में जीत करके आ गई थी दोबारा, अब 77 की याद आती है तो आपको 1980 और 84 की भी याद रखना चाहिए ना, कि आपको खारिज भी तो लोगों ने किया था। तो ये सब चीजें हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि विपक्ष कहीं एक तो छिपने का नहीं, राज्यसभा में अब इनका बहुमत लगभग समाप्त हो चुका है, जिस तरह से बीजू जनता दल, क्योंकि लोकसभा में तो उसका प्रतिनिधित्व तो है नहीं, राज्यसभा में अभी भी एक फोर्स है, और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी लोकसभा में तो बहुत कम लोग हैं उसके पास भी, लेकिन राज्यसभा में उसके लोग हैं। तो जिस ढंग से आज सड़क पर जंतर मंतर पे जो धरना हुआ है उसमें इंडिया अलायंस के लोग जाके शामिल हुए हैं, बीच में थोड़ी बातचीत हमको लगता है कि अंदर खाने कांग्रेस के नेतृत्व के साथ भी हुई है। आपसे बताऊं मैं कि देखिए, एक जमाना था जब कांग्रेस का सबसे बड़ा पावर हाउस आंध्र प्रदेश होता था, कर्सी
वाईएस राजशेखर रेड्डी, जब भी कभी कुछ होता था तो सोनिया गांधी जाकर के वहां पे तिरुपति में या विजयवाड़ा में या जाकर के कहीं वो बड़ी रैली करती थी, उससे वो पावर गेन करके आती थी। तो राजशेखर रेड्डी उनके बहुत ही क्लोज थे। अब चूंकि थोड़ी कुछ गलतफहमियां हो गई राज्य के विभाजन को लेके, भ्रष्टाचार के मामले में जो आरोप और प्रत्यारोप हो चले, संलिप्तता चली जगनमोहन को लेकर के, तो उसको लेकर के कुछ दूरियां बढ़ गई थी और उसके चलते वो कांग्रेस तो एक तरह से वहां से साफ ही हो गई। लेकिन अभी भी कांग्रेस के पास वक्त है कि अगर दोनों मिल करके कुछ अच्छा करें और भविष्य में, क्योंकि इस बार तो सीधे सीधे चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी की सरकार है वहां मिलजुल करके, पवन कल्याण भी उसमें शामिल है, जनसेना वाले, लेकिन कांग्रेस और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी दोनों मिलकर के वहां एक बड़ा काम कर सकते हैं और बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। और अगर वो चुनौती, अगर जगनमोहन रेड्डी के मन के अंदर से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का डर निकल जाए, जो अब सभी दलों के अंदर से धीरे धीरे निकल रहा है, अब लोग खुलकर के सामने आने लगे हैं, खुलकर के लोग बोलने लगे हैं, और अब ये कुछ इस हैसियत में है भी नहीं कि ये चाह करके भी कुछ बिगाड़ सके उन लोगों का, तो अगर जगनमोहन रेड्डी ने राज्यसभा में तय कर लिया कि हम विपक्ष के साथ खड़े होंगे, सरकार के प्रस्तावों के खिलाफ मतदान करेंगे, तो सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रह गया सवाल, जैसे मान लीजिए बार बार चर्चा हो रही है कि बजट में जो राजनीतिक शीर्षक बने, ये बात तो सही है भाई, पूरा बजट जो है कहीं चर्चा नहीं हो रही है कि आपने किसको किसको क्या दिया, क्या महंगा किया, क्या सस्ता किया, इस पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा ये हो रही है कि आपकी सरकार जिन दो बैसाखियों पर टिकी है, उन बैसाखियों को मजबूत करने के लिए आपने क्या क्या किया। अब आपने 58,900 करोड़ रुपए घोषित कर दिया बिहार के लिए जी, 14,000 करोड़ करीब आंध्र प्रदेश के लिए दे दिया, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक जो पीरपैती में वही जो कितने मेगावाट का जो पावर प्लांट लगाने की बात है, तो उसके अलावा तो बाकी सड़कों का है। अब सबको मालूम है कि सड़कें बिहार में किस तरह से बन रही हैं, भाई आप ही के पास आंकड़े हैं, पुल बनाने के लिए पुल और राजमार्ग बनाने के लिए तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा तो गुजराती ठेकेदारों के पास जाएगा, फिर सड़क और पुल कैसे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे जैसे 18 जून से लेकर के 20-21 दिन के बीच में जो 12 पुल ध्वस्त हो गए, गिर गए, धराशायी हो गए, तो उसी तरह के पुल बनेंगे भाई। जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ हो, चाहे अयोध्या में वो रामपथ कॉरिडोर जो बनाया उसका हुआ है, ऐसा तो हमको लगता भारत में पहला ही मामला होगा था कि 65 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के रेट से भुगतान हुआ है रामपथ बनाने के लिए, जबकि एवरेज बताते हैं लोग 15-20 करोड़ में कमीशन वगैरह सब कुछ मिला जुला करके हो जाता था। 65 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की सड़क बनी और एक ही बरसात में पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई। तो इसी तरह का अगर बिहार में काम होना है तो फिर 58,000 करोड़ क्या, आप 58 लाख करोड़ दे दीजिए, वो सब चला जाएगा कहीं कहीं और चला जाएगा, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं। देखिए सच बात क्या है राजीव जी, कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था उस समय जितने भी कल कारखाने थे, जितने भी माइंस और मिनरल थे, वो सब बिहार से निकल करके साउथ बिहार में चूंकि पड़ते थे वो तो झारखंड में चले गए। तो बिहार को एक स्पेशल आर्थिक पैकेज जरूर चाहिए था जिसके जरिए वो अपने को खड़ा कर सके, वहां पे उद्योगों का जाल बिछ सके या कुछ भाई, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें तो हैं, रेलवे की लाइनें भी है, सब कुछ है, लेकिन उस ढंग से कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां, जो वहां के लोगों को भाई बिहार क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, पलायन है। बिहार से लोग जा जा करके पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और कलकत्ता में जाके काम करने के लिए मजबूर है। उनको अगर वहां रोजगार मिले, वहां कुछ काम मिले, उस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था हो, वैसा कुछ तो इस बजट में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उसके चलते चूंकि बिहार को आपने खुश किया है, वचनम किम दरिद्रताम, अभी 59,900 करोड़ रुपए में से कितना सतह पे चल पाएगा, कितना खर्च हो पाएगा, ये देखने वाली बात हो सकती है। कि कई बार होता है कि बजट में घोषणाएं तो हो जाती है लेकिन पैसा पहुंचता नहीं है, अब वो कितना होगा ये थोड़ा सा देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन आंध्र और बिहार को खुश करने के चक्कर में आपने हरियाणा को नाराज कर लिया, जहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं,
आपने महाराष्ट्र को नाराज कर दिया, जहां आप विधानसभा का उसी महीने बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने झारखंड को नाराज कर दिया क्योंकि इनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और आप सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, हम लोग तो इतने सालों से बजट कवर करते रहे हैं राजीव जी, रेल बजट भी कवर करते थे, तो पहली बार है कि साहब रेल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है जी। कौन सी नई रेल पटरी बनेगी, कौन सा नया लाइन बनेगी, कौन सी रेलगाड़ी नहीं चलेगी, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं अभी जो नई सरकार बनी है उसके बाद। अभी मैं आज देख रहा था कि किसी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख रहा था कि कोई रेलगाड़ी जो है वो प्लेटफार्म के ऊपर चली जा रही है, उसके डिब्बे उस पर चले जा रहे हैं, लोग कूद कूद करके भाग रहे हैं उसमें से। तो इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, कैसे रेल की सुरक्षा होगी, कैसे रेलवे का समयबद्धता होगी, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। सीनियर सिटीजन्स के लिए बार बार होता रहा है साहब, उनके लिए सरकार चिंता करती है, कुछ करेगी, सीनियर सिटीजन्स के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। और इनकम टैक्स इसके बारे में लोग हर बार बड़ा हो रहा है कि 17,000 दे दिया, 18,000 रुपए दे दिया, कब से नहीं दिया था, कितने वर्ष हो गए जब किसी तरह की कोई छूट सरकार ने नहीं दी थी। 10 साल में मुझे लगता कि पहली बार थोड़ा बहुत कुछ किया, वो भी नए टैक्स रिजिम के नाम पे, उसमें भी अभी लोचा है, उसमें भी है, इनकम टैक्स वाले में भी है, तो इसलिए उसमें ये मत सोचिए कि उसमें दे ही दिया है, उसमें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम और उसके उसमें किसका पालन